इस देश में जब भी वेद, पुराण, आध्यात्म और इतिहास की बात आती है, तब देवराज इंद्र की चर्चा अवश्य होती है। हिंदू धर्म में मूलतः 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रत्येक देवी देवताओं का अपना एक स्वभाव और चरित्र है। इसी प्रकार इंद्र देव का भी अपना एक अलग स्वरूप और चरित्र है। इंद्र के स्वरूप की बात करें तो सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है। वो अपार शक्ति के स्वामी हैं। वह मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रु पर प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें स्वर्ग के राजा के रूप में भी जाना जाता है। इंद्र देवराज होने के अतिरिक्त 10 दिशाओं में से पूर्व दिशा के संरक्षक अर्थात दिक्पाल भी हैं। परंतु एक सत्य बहुत कम लोग जानते हैं कि इंद्र देवताओं के राजा का नाम नहीं अपितु देवलोक के राजा की पदवी तथा उपाधि का नाम है। एक तथ्य यह भी है कि प्रत्येक मनवंतर में नया इंद्र नियुक्त होता है। अभी तक स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है, जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं, जिनके नाम यज्ञ, विपश्चित, शिवि, विधु, मनोवज, पुरंदर, बलि, अद्भुत, शांति, विश, ऋतुधाम, देवास्पद और सुचि है। वर्तमान समय में इंद्र का नाम पुरंदर है। वह महर्षि कश्यप और अदिति के 12 पुत्रों में से एक हैं। अब यह जानकारी तो प्राप्त हो गई कि इंद्र एक पद है, परंतु कैसे प्राप्त होता है ये पद, आइए जानते हैं। अत्यधिक तप अथवा सहस्त्र निर्विघ्न धर्म यज्ञ करने से ही साधक इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है। तप या यज्ञ के समय यदि मर्यादा भंग हो जाती है तो नए सिरे से शुरू करना होता है। सफल होने पर ही इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। इंद्र के बल, पराक्रम और अन्य कारणों के कारण ही यह नाम एक पद बन गया था। जो भी स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेता था उसे इंद्र की उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। विभिन्न कालों में विभिन्न साधक इस पद पर आसीन रह चुके हैं। जो भी इस पद पर आरूढ़ हो जाता है उसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता आ जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार असुरों के राजा बलि भी इंद्र रह चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाथ ने भी इंद्र पद जीत लिया था। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती हैं। इंद्र का निवास स्थान देवलोक की राजधानी अमरावती है। इंद्र अनेक दुर्लभ वस्तुओं के स्वामी भी हैं। इनमें मंदार, पारिजात, कल्प वृक्ष और हरिचंदन जैसे दिव्य वृक्ष सम्मिलित हैं। इंद्र के पास समुद्र मंथन से प्राप्त हुए एरावत हाथी और उच्च श्रवा जैसे दिव्य रत्न भी हैं। अपनी शक्तियों के लिए शक्र, पराक्रम के लिए वृषण और वसुओं के स्वामी होने के लिए वासव कहे जाने वाले इंद्र को भारत समन्वय परिवार सादर प्रणाम करता है। ऐसे ही अन्य रोचक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।